नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। पाकिस्तान में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बिजली की भारी कमी हो गई है। पाकिस्तान एक गंभीर बिजली संकट से जूझ रहा है। लोड शेडिंग जिसने नागरिकों और उद्योगों दोनों को प्रभावित किया है, उसने पीएम शहबाज शरीफ की सरकार को ऊर्जा संरक्षण के लिए एक तत्काल योजना की घोषणा करने के लिए मजबूर किया है। इस स्थिति का कारण क्या है और पाकिस्तान इस संकट से निपटने के लिए कैसे प्रयास कर रहा है, आपको बताते चले कि 6 जून को पाकिस्तान सरकार ने घोषणा की कि उसने निर्धारित बिजली कटौती को प्रतिदिन 3.5 घंटे तक कम करने का निर्णय लिया है। ये कहते हुए कि 30 जून तक इसे प्रतिदिन 2 घंटे तक लाया जाएगा। देश वर्तमान में 26,000 मेगावाट की आवश्यकता के मुकाबले 22,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है, जबकि ये कमी 4,000 मेगावाट की है। पाकिस्तान के कुछ मीडिया रिपोर्टों ने लगभग 7800 मेगावाट की कमी का अनुमान लगाया है। डेली टाइम्स ने 7 जून की एक रिपोर्ट के अनुसार उस समय कराची में 15 घंटे तक बिजली गुल थी, जबकि लाहौर में लगभग 12 घंटे बिजली नहीं थी। पाकिस्तान में अधिकांश बिजली संयंत्र आयातित ईंधन पर चलते हैं। ये देश को वैश्विक आपूर्ति झटकों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। वैश्विक ऊर्जा संकट जो यूक्रेन के आक्रमण और महामारी के बाद की मांग में वृद्धि के कारण बढ़ रहा है, ने पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान की ऊर्जा आयात लागत को लगभग 2 गुना कर दिया है। जहां ईंधन की बढ़ती कीमतों और डॉलर के मजबूत होने से बिजली उत्पादन पाकिस्तान के लिए महंगा हो गया है, वहीं वितरण कंपनियों पर लाइन लॉस में कटौती करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक प्रधानमंत्री शरीफ ने मंगलवार को कहा था कि पाकिस्तान के पास तेल और गैस खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। बिजली संकट ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान को विदेशी वित्त की सख्त जरूरत है और उनका विदेशी भंडार 10 अरब डॉलर से नीचे चला गया है। अब अपने सबसे खराब ऊर्जा संकट से निपटने के लिए सरकार ने बुधवार को एक आपात बैठक के बाद मांग आपूर्ति के अंतर को पाटने के उपायों की घोषणा की। आपको बता दें कि योजना के तहत देश भर के बाजार रात 8:30 बजे बंद हो जाएंगे। इस्लामाबाद में रात 10 बजे के बाद शादी समारोहों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है। रिपोर्ट में संकेत मिलता है कि पुलिस को ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाए। सभी सार्वजनिक कार्यालय और शैक्षणिक संस्थान ऊर्जा संरक्षण के लिए 5 दिवसीय कार्य सप्ताह का पालन करेंगे। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए शुक्रवार को वर्क फ्रॉम होम डे को अनिवार्य बनाने के लिए संभावना पर गौर करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया है। वैकल्पिक दोनों में केवल स्ट्रीट लाइट संचालित करने के लिए प्रांतों के साथ चर्चा चल रही है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान इन उपायों का पालन करके सरकारी और कार्यालयों की ऊर्जा को खपत में 10% तक कम करने की उम्मीद करता है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन।